बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का, और आज का थीम क्या है देखिए, विवशता में किया गया हरिनाम भी महान भय से बचाता है। बहुत सुंदर श्लोक, प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 14वां श्लोक है। आपन्नः संस्कृतिम घोराम यन्नाम विवशो गृणन ततः सद्यो विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम्। आपन न संस्कृतिम घोराम, इस संस्कृति में जीव पड़ा हुआ है, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ, घोर संस्कृति एकदम, जिसमें माँ के गर्भ में बैठना पड़ता है, उसका फिर जन्म मृत्यु का चक्र में फंसना पड़ता है, उसको प्राप्त जीव यन नाम, जिन भगवान के नाम को विविशता में भी ग्रहण कर ले, मतलब नहीं चाह रहा है, अनायास बिना प्रयास के अचानक सहसा उसके मुख से भगवान का नाम आ जाता है, तथा सद्यो विमुच्यता, वह तुरंत ही उसी समय मुक्त हो जाता है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? तो कहते हैं यद विभेति स्वयं भयम्, भगवान के या भगवान से या भगवान के नाम से तो स्वयं भय अर्थात महाकाल अर्थात यमराज भी भयभीत होते हैं। जिन यमराज से हर व्यक्ति भयभीत होता है वह भी भगवान के नाम से भयभीत होते हैं। क्या प्रमाण है? यमराज स्वयं बोल रहे हैं अपने दूतों को छठे स्कंद में यही बोलते हुए, देखो जो नाम का उच्चारण करता है उसके पास कभी मत जाना, नहीं तो भगवान स्वयं अपने गदा से उसकी रक्षा करते हैं और तुमको मार देंगे। इस प्रकार से डराते डरा करके यमदूतों को बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि भगवान का नाम कितना शक्तिशाली है, और सोचिए अगर हम योजना बनाकर भगवान का उच्चारण करें नाम कि भाई इतने माला करेंगे तो कितनी कृपा भगवान श्री कृष्ण की होगी। ये स्वयं यमराज जी बोलते हैं न वयम न वयः, ना ये भक्त मेरे मेरे संरक्षण मतलब मेरे अंदर में आते हैं, मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं आते, और ना समय के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये बहुत कल्याण का कार्य कर रहे हैं। और आप जानते हो भगवान के नाम की महिमा सब कुछ है, लेकिन भक्तों के संग के बिना हम इस प्रकार से कर नहीं पाएंगे जिंदगी भर। तो अपने जीवन में कृपया हरे कृष्ण मंत्र को प्राथमिकता दीजिए। जब अनायास करने वाले का उतना लाभ हो रहा है तो भगवान का नाम योजना बना के करेगा तो कितना लाभ होगा। ठीक है, क्या मित्र नाय का उपयोग तो कई बार किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बड़े उत्साह के संग नाम उच्चारण कीजिए। और आपको लगकर ये भी लग रहा है प्रभु जी हम तो व्यवस्था में कर रहे हैं, अब नहीं करेंगे तो भगवान के पास कैसे जाएंगे, तो वह भी ठीक है। एक नाम जब व्यवस्था में करते तो लाभ है, तो खूब पूरा माला करेंगे तो कितना लाभ होगा। ओके, सो लेट अस चैंट हरे कृष्ण नाउ। थैंक यू।